मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डी फार्मेसी एंड एयर। सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये एमसीक्यू है। द थ्री आर प्रिंसिपल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल रीयूज रिड्यूस रिसाइकिल रिसाइकिल रीयूज रिड्यूस नन ऑफ अबव। द आंसर इज रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल। द थ्री आर प्रिंसिपल स्टेट दैट रिडक्शन रीयूज एंड रिसाइकिल आर द प्रॉपर मेथड to dispose the residual waste, it does not harm the environment and can be easily followed by the everyone. Which of the following gases are not permitted to the release by the government to prevention and control of the pollution? ये तीनों गैसें harmful हैं स्वास्थ्य के लिए, इसलिए answer होगा all of above, ये toxic गैस हैं। Forest Conservation Act was amended in which of the following year? 1988 में ये एक्ट जो है अमेंडमेंट हुआ था, और ये किस लिए क्रिएट किया गया था, किस लिए बनाया गया था? टू क्रिएट एंड प्रोटेक्ट रिजर्व फॉरेस्ट फॉर द गवर्नमेंट यूज। हेपेटाइटिस ए इज ए टाइप ऑफ, ये वाटर बॉर्न डिजीज है, फूड कंटामिनेशन से होती, इसलिए बी डी एंड सी आंसर जो सही है, ए और सी लास्ट वाला दी आंसर सही है। ए भी वाटर बॉर्न डिजीज भी है, फूड कंटामिनेशन की वजह से भी हेपेटाइटिस होता है। तो हेपेटाइटिस ए इज जनरली कॉज्ड बाय द फूड एंड वाटर कंटामिनेशन थ्रू केमिकल वेस्ट, अर्बन सीवेज, एग्रीकल्चर वेस्ट, एक्स्ट्रा विच एलिमेंट प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन लीड टू वेरियस फेटल डिजीज। तो आर्सनिक की वजह से क्या होता है, अगर होगा तो फेटल डिजीज होने के चांसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिड्यूस द नंबर ऑफ द डायरिया केसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग द की मेजर्स, अगर हम हाई फूड हाइजीन करें, इम्प्रूव सैनिटाइजेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ऑल ऑफ एबव जो हैं डायरिया के केसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। द सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल काज ऑफ कैंसर इज टोबैको स्मोकिंग। सबसे 80% जो है क्या होता है, कैंसर जो है टोबैको स्मोकिंग की वजह से होता है। द अडॉप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टर्म एज ए कैम विच स्टैंड फॉर, तो आंसर डी सही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन है। क्यों है, क्योंकि ट्रेडिशनल जो ड्रग्स हैं वो एक तो इजिली मिल जाती हैं और दूसरा इनएक्सपेंसिव है। तो आंसर इज डी, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट, द वर्स्ट सफरर ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आर, सबसे ज़्यादा सफरर जो होते हैं अगर एनवायरमेंट ख़त्म होता है, डिस्ट्रक्ट उसको हार्म पहुँचता है, तो पुअर, क्योंकि उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता है, और जो कि पुअर पीपल हैं लकड़ी से खाना बनाते हैं, तो उनको क्या है कि जल फ्यूल या कह लीजिए खाना बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती, तो पुअर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वैसे सब पे असर पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड, अर्बन हाउसिंग इज वेरी एनर्जी इंटेंसिव, जो सिल्वर है वो नहीं यूज की जाती है हाउसिंग में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्पेक्टिव है, ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये ड्रग सॉरी जो मेटल है महंगा है, इसलिए इसको नहीं यूज किया जाता है। अनसेड स्टैंड फॉर, अनसेड जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, क्या है, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, सी फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन, और ई फॉर एनवायरमेंट एंड डी फॉर डेवलपमेंट, तो यू एन सी ई डी आंसर इज बी है। द वर्स्ट नेचुरल हैजार्ड्स इन द ट्रॉपिक एरिया, क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है सबसे ज़्यादा हैजार्ड्स है ट्रॉपिक रीजन के लिए, जो ट्रॉपिक एरिया है इंटेंस लो प्रेशर है। द साइक्लोन जनरली अकर नियर टू द इक्वेटर ओवर द वार्म ओशियन वाटर। सीवियर ट्रॉपिक साइक्लोन कैन बी 2 to 3 year। द मोस्ट फ्रिक्वेंट एंड नेचुरली अकरिंग डिजास्टर इज फ्लड, सबसे ज़्यादा डिजास्टर का कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राउंड वाटर पोल्यूशन इन वेरियस स्टेट। फ्लोराइड की वजह से ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे
जॉइंट्स डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, तो फ्लोराइड सबसे ज़्यादा हार्मफुल है. फ्लोराइड इंटर थ्रू ए ड्रिंकिंग वाटर. ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का कारण है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यूज इन इंडिजीनियस मेडिसिन? नन ऑफ एबव. नीम जो इंडिजीनियस मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यूज इन इंडिजीनियस मेडिसिन? तो आंसर इज नन ऑफ दिस. द मेजर पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोरिच एरिया? तो ऑल ऑफ द एबव. आंसर इज ट्रॉपिक फॉरेस्ट, वेटलैंड, कोरल रीफ, ऑल ऑफ एबव. द मेजर पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोरिच एरिया? सभी हैं. द एक्सटेंशन ऑल्सो इन बायोरिच एरिया एंड कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ एक्सटेंशन. बायोरिच एरिया वेर एक्सटेंशन अकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कोरल रीफ एंड वेटलैंड. वाट आर द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड? 36 हॉट स्पॉट हैं वर्ल्ड में. स्पेसिफाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एग्जिस्टिंग ए पर्टिकुलर हॉट स्पॉट. द नेम ऑफ द एसोसिएटेड विद द प्लांट सोर्स टी और कॉफी. कैफीन पाया जाता है, जो टी और कॉफ़ी में पाया जाता है कैफीन. वाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ असेंस ऑफ एंट इन द अर्थ? डिस्ट्रॉय लाइफ कैसे हो जाएगी? द एंट प्ले एसेंशियल रोल इन एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ. द असेंस ऑफ एंट में इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टर्माइट्स. एंट्स इंट्रोड्यूस एयर इन टू द सॉयल एंड अलाउ द वाटर एंड ऑक्सीजन टू रीच द रूट ऑफ द सॉयल. हेंस द एब्सेंस ऑफ एंट डिस्ट्रॉय लाइफ ऑन द अर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो जियोट्रॉपिक जोन ऑफ इंडिया? साउथ ईस्ट जोन इज नॉट रिच इन स्पीसीज, हेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए बायो जियोग्राफिक जोन ऑफ द इंडिया. द रीजन नोन एज प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज नोन एज द बायो जियोग्राफिक रीजन. द एसेंशियल नॉन मेटल मिनरल्स आर ग्रेनाइट, मार्बल, लाइम स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, एल्यूमिनियम, रेज कॉपर. तो कोल, क्ले, सीमेंट, सिलिका. नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट हैव मेटल और फ्यूल एज देयर सोर्स. इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस टू. आंसर बी एन बोथ ए एंड बी. यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड फॉर ग्रोइंग क्रॉप ए और बी है. यूजिंग अल्टरनेटिव टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. द यूजेज ऑफ ट्रेडिशनल ग्रोइंग क्रॉप मेथड लोअर द चांस ऑफ कंप्लीट फेल्योर ऑफ द क्रॉप. द रिसर्च एंड स्टडीज हैव ऑल्सो शो द यूजिंग अल्टरनेटिव टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स कैन ऑल्सो रिड्यूस क्रॉप फेल्योर चांस. इट इज डिफाइंड एज इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट. थैंक यू.